चेयरमैन के लिए हम जो विषय बात किया है, इसीलिए हम दलीय अध्यक्ष सनेक जी को अभिनंदन करते हैं और हम उसके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। ये मानव अधिकार मंच जो है उसमें हम एक काम दायित्व सौंपा जाता है और इसीलिए हम हमारे स्टेट में आसाम से हूँ जी। कहाँ से? आसाम से हूँ और जो दायित्व हमको सौंपा है हम ये दायित्व अच्छी तरह से करने के लिए कोशिश करेंगे। जी हाँ, मेरा नाम कल्पना गोगोई शर्मा है, मैं अधिवक्ता हूँ आसाम का। मैं एंटी करप्शन का पद मुझे कहाँ से हैं आप? आसाम से हूँ मैं। एंटी करप्शन का मुझे पद दिया है एज ए प्रेसिडेंट, इसीलिए मैं रवि चनेके जी को बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई में जो 19वां अधिवेशन हुआ उससे आपने क्या प्रेरणा ली? देश के लिए जो सोचना, जो नया जो ये किया है, इसके लिए मैं कोशिश करूंगी। जब मैं सबसे कोशिश करूंगी सबसे अच्छा काम कर सकूं। आसाम से हूँ सरस्वती चक्रवर्ती। उसी नरेंद्र मोदी विचार मंच में अध्यक्ष पद के लिए भी हमारे रवि चाणक्य जी उनके साथ 2024 को फिर हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत से लाने के लिए प्रयास करेंगे और लाएंगे भी। प्रदेश की महिला शाखा की मैं प्रदेश महामंत्री हूँ। अभी तो मैं ज्वाइन हुआ है अभी, इसके पहले 5 साल तक मैं सरकार भारती में भी काम करती थी, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती थी और मेरा खुद का एक सोसाइटी है दीनदयाल उपाध्याय। आप इधर आइए, मैं कहीं नहीं जा रहा।